अच्छा लग रहा। कितनी देर स्टडी करते हो नाल, तुसी वकालत भी करते रहे हो, उहदे नाल कितना टाइम करते, कितना फैमिली विच जां बाहर किस तरह करते सी? हाँ जी, इदां सीगा कि सन 2003 विच मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो मैं लॉ पास की। लॉ पास करन तो बाद उस तो बाद शुरू तो ही मेरा ये एक मुकाम सी कि मैं जिंदगी दे विच एक जुडिशल ऑफिसर बनना है, और इसलिए मैं निरंतर अपना प्रयास करता रहा। और इस तो पहला भी मैं 2012 दे विच भी मैं जुडिशल मजिस्ट्रेट की प्रीख्या क्लीयर किया, तद भी मैं इंटरव्यू दी सी। और हुण इस बारी 2022 दे विच मानयोग हाई कोर्ट ने मेरी जिहड़ी एक अडिशनल सैशन जज की जिहड़ी पोस्ट सी जिहड़ी हायर जुडिशल सर्विसिज दे विच आउंदी है, इहदे विच मेरा रिटर्न क्लीयर होया। रिटर्न क्लीयर होने तो बाद मानयोग हाई कोर्ट ने मेरी इंटरव्यू ली, तो इंटरव्यू क्लीयर हो गई। और इंटरव्यू क्लीयर होने तो बाद मानयोग हाई कोर्ट ने मैनू सिलैक्शन ग्रेड देता है अडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज। सर हुण आपणे किन्ने बंदे ने अपने चोण हुई है? इदां सी जी कि टोटल जिहड़ियां पोस्ट सीगियां वो 18 इन्हां ने डिस्ट्रिक्ट जज रखनी सी मानयोग हाई कोर्ट ने, और इहदे विच इह डिस्ट्रिक्ट जज कैडर दे विच जिहड़े साडे आपां बंदे क्लीयर कीते सी टोटल 19 सीगे। उस तो बाद सब की इंटरव्यू ली मानयोग हाई कोर्ट ने, 3 नवंबर तो इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हुई 2022 तक। कड़ी जगह हो? हाँ जी, ये जी इंटरव्यू हुई है जी साड़ी मानयोग हाई कोर्ट बिलासपुर के हुई है, तो उस तो बाद 9 नवंबर तक 2022 तक साड़ी इंटरव्यू चली हैं, जिदे को जो रिजल्ट हैगा है वह बस 2-3 दिन हुए हैं रिजल्ट आए न। और रिजल्ट के मानयोग हाई कोर्ट ने सानू 4 बंदों 18 पोस्ट विचों 19 कैंडीडेट्स विचों सिलैक्शन दी है, और सानू डिस्ट्रिक्ट जज लगा। किस स्टेट तो आ गए? हाँ जी, मेरे नाल 3 बंदे होर है, एक का नाम विक्रम बाली है तो वह हैगे है चंडीगढ़ तो, एक हैगे है जी मुकेश कुमार तिवाड़ी जी हैगे है मध्य प्रदेश तो, एक वरिंदर जी हैगे है वो हैगे है दिल्ली। जो फैमिली की गल करिए, फैमिली कि सपोर्ट से आप जी जिदा पढ़ाई कामों की? थोड़ा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने पूछे, यही एक आप गल कर सकते हैं कि गागर में सागर है, क्योंकि जे थोड़ा फैमिली की सपोर्ट नहीं है तो थोड़े लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने अपने पेरेंट्स की, वाइफ की, रैलेटिवस की, फ्रेंड्स की, सारे की पूरी सपोर्ट सी, सो इस करके इन्हों की सपोर्ट्स के नाल सपोर्ट के नाल और परमात्मा के आशीर्वाद के नाल मेरा एग्जामीनेशन क्लीयर होया। किस दिन तुम पता लगा कि तुम सिलेक्ट हो? कितने दिन पता लगा? इदा जी परसों साडा रिजल्ट है। ठीक, रिजल्ट के बाई उन्होंने फोन करके दस जा ऑनलाइन? नहीं जी, ऑनलाइन साडा रिजल्ट आया, ऑनलाइन कन्फर्मेशन है हाई मानयोग हाई कोर्ट की साइट पर रिजल्ट है। तो हम उन्होंने कितने ड्यूटी ज्वाइन करने करता कदों तो कर रहे? हाँ जी, इदा है हले 20-25 दिन लगन गए, महीने का मानयोग हाई कोर्ट का प्रोसैस है, तो जिते वो साड़ी डायरेक्शन देंगे उत्थे फिर उन्होंने डायरेक्शन। मेरा नाम राज कुमार कोहली है जी, ये मेरे जो बेटा हूँ अडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज बने हैं। मैं भी सरकारी नौकरी की है जी, मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हुशियारपुर के 16 दिसंबर 1979 मैं लगा सी जी, तो अप टू डेट मैं ये देख लो 31 अगस्त 2003 च मैं रिटायर हुए। मैं बहुत IAS ऑफिसर काम किया और एज सुपरिटेंडेंट रिटायर हुए जी, तो मैं कोई 33 साल तो उपर सर्विस मैं की है जी, तो IAS ने वो उस वेले सके अपने TK नायर होंगे सके, आई रिमेंड रीडर टू हिम, जेडे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसीपल सैकटरी लगे बाद मेरी भी ख्वाहिश सी, मेरे बेटे की ज़्यादा ख्वाहिश सी कि यानी मैं बतौर सेवा करा, मैं बतौर मैं जज बना, क्योंकि मैं शुरू तो ही मेहनत करता सगा। जिस वे बच्चे पढ़ते सके तो मैं इन्होंने आम कोठियाँ दिखाता हूँ सगा, मैं क्या बेटा बहुत मेहनत करनी पैंती है क्योंकि इस रुतबे तक पहुँचे देखो कैंडल गिव्स लाइक आफ्टर इट्स बर्न, तो इन्होंने मैं हम दिखाई डिप्टी कमिश्नर की कोठी दिखाई, डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज की दिखाई, उस वे मेरे को सिर्फ साइकिल हों। मैं बड़ा जीवन अपना बहुत संघर्ष के बीच बतीत किया और मैं फैसला कर रहा है कि ऑनेस्टली इज द बेस्ट पॉलिसी। मेरी माता ने मैंने कहा कि कोई करप्शन का एक पैसा भी घर नहीं बालना, कभी भी जीवन से नहीं बालना, और कदे ही बच्चे बढ़ू गए फलू गए और उस बरकत पै गए नाम रोशन कर लेंगे। किन्ने बच्चे ने अपने? मेरे बच्चे जी 2 बच्चे है जी, एक मेरा एक बेटा अमित कुमार कोहली जो कि अडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज के पेपर क्लीयर किए हैं, इंटरव्यू क्लीयर की है, एक मेरी बेटी है जी, आ बेटी मेरी पिछले मेरे बैग पर खड़ी है प्रियंका बैज का नाम, प्रियंका सांझन इसलिए क्यों मैरिज हो जाती फिर कास्ट तुम्हें पता ही है सांझन है, तो इन्होंने भी MBA की है। मैं सोचा कि मैं इन्होंने जीवन जी मेरी जी पूंजी है ना वो एजुकेशन है, मैं इन्होंने एजुकेशन ही देनी है,
फिर मैं उन्होंने कभी कभी कोठी दिखानी डिस्ट्रिक्ट एक्साइजर की बाहरों दिखानी डी साहब की दिखानी मैं इतने ता ही पहुंचे है जिस वे बंदा बहुत संघर्ष मेहनत करता है मेहनत कभी व्यर्थ नहीं लाइफ के बीच फिर मैं उन्होंने इन्हों ना ये मतलब यही लैसन दिता कि ईमानदारी में रहना मैं वो कदर पैंती है जीवन की सो महाराज ने प्रभु की कृपा के नाल अज उस रुतबे पर पहुंचे है बहुत मेहनती है की महसूस करते हो महसूस की कर रहे मैं बहुत ही वधिया खुशी मैं महसूस करना कि परम पिता परमात्मा की कृपा के नाल इन्होंने रुतबा हासिल किया वै और अपनी मेहनत में किया और उन्होंने मेहनत का फल दिता वै जिमें कि एक डॉक्टर हैगा वै और डॉक्टर ट्रीट्स वट ही क्योरस परमात्मा ही जनता की मैसेज है जनता मेरी तरफ यही मैसेज है एक तो अपने बच्चों और सारी पूंजी अपनी लगा दो जो भी जिन्हें योग है उन्होंने पढ़ाओ लिखाओ और उन्होंने जीवन बढ़ाओ और लड़कियां जड़ियाँ होंगे मैं लड़कियों नालों भी बहुत बढ़िया ताकत लगा इस करके इन्हों जरूर पढ़ाओ और सारे मेहनत करनी चाहिए है और बच्चे सारे जिन्हें भी है ये उपर प्रोग्रेसिव हो